जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका SSB क्रैक एग्जाम्स में। आज के वीडियो में वी विल टॉक अबाउट 10 फैसिलिटीज गिवन टू इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स। फ्रेंड्स, जो ऑफिसर्स ब्लू यूनिफॉर्म पहनते हैं और देश को सर्व करते हैं, उनके पास कई फैसिलिटीज भी होती हैं टू हैव अ गुड लाइफ। इंडियन एयरफोर्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने एम्प्लॉयज और उनकी फैमिलीज का खास ख्याल रखती है। लेट्स सी some of those facilities. First is CSD canteen facilities. फौज में कैंटीन का मतलब सिर्फ कोई कैफेटेरिया नहीं है। यहाँ हर एयरफोर्स कैंटोनमेंट एरिया में कैंटीन है, जहाँ सारे डेली यूज प्रोडक्ट्स का स्टॉक अवेलेबल होता है। फ्रॉम बेसिक राशन टू शूज एंड बैग्स, कैंटीन में वैरायटी ऑफ ऑप्शंस होते हैं, जो कि सिविलियन शॉप से कई गुना डिस्काउंटेड रेट में मिलते हैं। ये कैंटीन सोल्जर्स और उनकी फैमिली मेंबर्स वाया कैंटीन कार्ड एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड इज अकोमोडेशन फैसिलिटीज। ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज को रैंक के मुताबिक मिलिट्री अकोमोडेशंस मिलते हैं। ये क्वार्टर्स नो अकोमोडेशन कॉस्ट के साथ आते हैं। अनमैरिड ऑफिसर्स को हॉस्टल्स के स्ट्रक्चर के अकोमोडेशंस मिलते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज। ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल चेकअप 24/7 अवेलेबल रहता है। मेडिकल चेकअप के अलावा अदर हेल्थ असिस्टेंस भी मिलिट्री हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होते हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। अगर बात स्पोर्ट्स की आती है तो एयरफोर्स प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। टेनिस कोर्ट्स, बैडमिंटन कोर्ट्स, बास्केटबॉल कोर्ट्स, क्रिकेट ग्राउंड्स, फुटबॉल ग्राउंड, ये सारे कोर्ट्स हर कैंटोनमेंट में अवेलेबल होते हैं। इनफैक्ट गेम को बेटर करने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट से कोचेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक की बुक्स को पढ़ना ना भूलें। इन बुक्स में आपको सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और एक्सरसाइजेस मिलेंगे, जो आपको SSB इंटरव्यू के लिए सही तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इन बुक्स का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्कूल्स एंड हॉस्टल फैसिलिटीज। मैरिड ऑफिसर्स के किड्स को एक अच्छी एजुकेशन देने की जिम्मेदारी एयरफोर्स की होती है। एयरफोर्स स्कूल्स कंट्री के कई हिस्से में एस्टैब्लिश किए गए हैं, विच डू नॉट हैम्पर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विच किड्स गेट। एयरफोर्स स्कूल्स ने कंट्री को काफी ह्यूमन एसेट्स भी दिए हैं, और कॉलेज स्टूडेंट्स बोथ मेल एंड फीमेल दोनों को ही वेलफेयर स्कीम्स के अंडर मिनिमल कॉस्ट पे हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। टिकट कंसेशंस। ड्यूटी के दौरान फ्लाइट और ट्रेन टिकट्स का खर्चा फोर्स द्वारा दिया जाता है। ये ऑप्शन नेशनल लोकेशंस के लिए अवेलेबल है और इसके लिए ऑफिसर को अप्लाई करना पड़ता है। अफवा। एयरफोर्स वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द बेटर हाफ्स ऑफ ऑफिसर्स। ये फंक्शन करती हैं टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एंड स्किल्स, होम डेकोर आइटम्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इस ऑर्गेनाइजेशन की रेगुलर मीटिंग्स कंडक्ट होती हैं फॉर ग्रुप बॉन्डिंग सेशंस, एज वुमेन आर द गाइडिंग फोर्स हु वॉक्स एवरी स्टेप विद हर मैन। लीव्स। एक ऑफिसर इंटाइटल्ड होता है फॉर 60 डेज लीव एंड 3 डेज मेडिकल लीव अ मंथ। छुट्टियां अवेल करने से पहले ऑफिसर को प्रॉपर चैनल से छुट्टियां अप्रूव करानी होती हैं। अगर ऑफिसर किसी पर्टिकुलर ट्रेड या हायर स्टडीज कंप्लीट कर रहे हैं, तो उन्हें 24-27 मंथ्स की स्टडी लीव भी मिल सकती है। रिटायरमेंट के बाद एयरफोर्स ऑफिसर को कई फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं फॉर देयर कमेंडेबल सर्विस टू आवर नेशन। फॉर एग्जांपल, पेंशन। रिटायरमेंट के बाद हर ऑफिसर को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ देयर सैलरीज हर महीने मिलता है। ये पेंशन उन्हें उनके रैंक और सर्विस ईयर्स के बेसिस पे मिलती है। मेडिकल फैसिलिटीज। रिटायरमेंट के बाद भी एक्स ऑफिसर्स एंड उनकी फैमिलीज को फ्री चेकअप्स, मेडिकल लोन, मेडिकल कंसल्टेशन एंड अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। दोस्तों, ये थी कुछ फैसिलिटीज जो एयरफोर्स ऑफिसर्स को ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मिलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। साथ में सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SSB क्रैक एग्जाम्स को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप
SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।